चल सैंडल पहनेंगे चलो। वो किससे लोगे? क्या तुम्हारा वही आ जाएगा इसमें? फेस वॉश जरूरी है फिर मैं रहने दूंगी। फेस वॉश का आपको फोन से पे कर देना ना। ठीक है देख लेंगे चलो। बस बोतल लड़ा लिए चल अब चलो उठो मिशु आ जा लेके चलो इसको। गुड़िया थक गई तो गुड़िया को ले लेना फिर। हेलो गाइस गुड इवनिंग राम राम कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। देखो ऐसे टी शर्ट खींच के मैंने इसको रेडी कर दिया है। इसके नीचे की पैंट चेंज कर दी और मैंने भी जो है शूज वूज पहन लिए। वीकेंड है पता ही है तो जा रहे हैं मार्केट में कुछ घर के ज़रूरी सामान लेने और थोड़ा बहुत खाने पीने का भी साथ में हो जाएगा। वैसे आकर मुझे जो है खीर बनानी है। सब्जी मैंने बना रखी है ऑलरेडी तो खाना जो है वो घर पे आने के बाद ही हम लोग खाएंगे। और चलते हैं और क्या क्या सामान लेना है। ऐसे ही डेली यूज़ का ही सामान लेना है जो घर का ज़रूरी सामान है ना। और सब्जी वगैरह हम कल लाएंगे क्योंकि कल शायद मंडी लगेगी तो वहीं से लेके आएंगे। तो चलिए चलते हैं। मौसम मैंने आपको दिखा दिया है कि 3-4 दिन से ख़राब ही चल रहा है वैसे तो मुझे देखे चलिए। कह रही है गुड़िया थक गई है बोलो। हाँ कैसे कैसे बोल रहे हो दोबारा बोलो क्या कह रहे हो? चॉकलेट वाले का नाम लिया तो सुन के भाग के आई है। हाँ बोलो कहा है चॉकलेट वाला। केले का भाव 60 रुपए दर्जन है ले लूं। मिशु इधर आओ चलो केले लेते हैं। कितने हुए हैं ये 9 केले 9 11 एक किसान से चलो दे दो चलो 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 दे दो ले लो भैया। अंदर आओ बाहर आओ। अब अंदर कहाँ जा रही है? आओ कैमरा साफ कर दे पहले। साफ है यार अब साफ है। मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं कि तेरे को फोन यूज करना नहीं आता। हम इतने बड़े ब्लॉगर वैसे ही बन गए बताओ है ना। मिशु ले रही है आइसक्रीम यहाँ से क्योंकि इसको आइसक्रीम वाला दिख जाता है तो आइसक्रीम खाए बिना ये रहती नहीं है इस वजह से। कप वाली देना भैया ये वाली मिलेगी क्या? वो नहीं होती सिंपल कप वाली सिंपल प्लेन में ही है ये ले लीजिए। ये कितने की है? 40 रुपये तो ये ले लो फिर। अब ये स्ट्रॉबेरी वाली दे देना 40 रुपये मेरे पास। तुम पता कैमरे में कितने काले आ रहे हो। गाइस हम आए थे मार्केट में सामने हमारा मिल रहा था दो शॉप पे। मैं आपको दिखाती अफगानी रोल खाने बट शॉप बंद मिली हमें तो अब हम अपना जो है घर का सामान लेने जा रहे हैं जो हमें चाहिए। यहाँ की चकाचौंध को देख के मन करता है कि ना ये ले लो वो ले लो बट अपना भी देखना ही पड़ता है ना क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो चलिए जो ज़रूरी सामान है वही लेने हम निकल गए हैं। ठीक है अब मैं खा रही हूँ बेल पूरी जो कि मेरी बहुत टेस्टी है। मिशु खा रही है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम। ऐसी इसकी वो हो जाती है आइसक्रीम। और मैं अपनी बेलपूरी खाऊंगी जो कि बहुत टेस्टी लगती है। थैंक यू भैया। ये अपना यहाँ से हिमालय का फेस वॉश ले रहे हैं देखते हैं मिलता है या नहीं। मिलेगा सही मुझे दो ये देखिए इतने बड़े शोरूम में घुस रहे हैं पता नहीं क्या ही आज लूटेंगे। मिशु डांस करके दिखाओ। मिशु इधर मिशु डांस करके दिखा।
इधर मुंह करना। गाइज आप भी बताइएगा कि कैसी लग रही है टी शर्ट, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई। मिशु यहाँ बैठ के आइसक्रीम खा रही है। ये छोटा बच्चा बैठ नहीं रहा। तो आप खाओ ना आइसक्रीम। अभी बेटा वो खाना खाएगा ना। काफी बड़ा ढाबा है, बरार बफे टेन ढाबा है। बफे वाला है। कैसा है कभी चेक किया है? देसी शेयरिंग नहीं होता, पर पर्सन लगता है 700 रुपए 800 रुपए। और 700-800 का खाया नहीं जाता। ये तो कम होता है, ये गाइस हम यहाँ रुके हैं, बैठे हैं जस्ट यहाँ पे आके। वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि मिशु को खाने की आइसक्रीम, तो इधर उधर हम कहीं पे बिठा भी नहीं सकते थे। तो अभी सिर्फ घर चलना है। दूध हमने ले लिया है, जो लेना था वो भी हमने ले लिया है। आज जो शॉपिंग हुई है ना वो सारी इनकी हुई है, मीशो की मेरी कोई शॉपिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो चलिए अब है ना मैं आपको सीधा घर जाकर मिलती हूँ। आओ आओ। तो मीशो बैग टांग के ला रही है अपने पापा के, हेल्प कर रही है। आओ बेटा, क्या शॉपिंग करके लाई है मीशो आज? हैं, क्या है इसमें? चल घर चल के देखते हैं। आओ 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 मम्मी के साथ साथ चलो, मिठाईरा चलो बीच। पापा रो रहे हैं। कदो। ओह माय गॉड। ओह गॉड। अरे पापा चुप कराएंगे। अबे रो मत। तो यहाँ मिशु की फुल टू मस्ती चल रही है। मिशु मिशु ने पहन लिया, दूसरे हाथ में भी पहन ले। गंदी बात होती है, गंदी बात होती है पता है। ये गंदी बात। याद है आगे आगे यार रख के। ये सबको गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट, सी यू सून। ओके बाय। ओके बाय। जी मॉर्निंग की चाय हमने पी ली है और यह मिशु सो रही है आराम से।
और मैंने मशीन लगा रखी थी, 16 मिनट बाकी हैं अभी कपड़े धुलने में। और ये गाय की रोटियां हैं, गाय की रोटी तो रोज़ ही निकालती हूँ, बाकी एक तो एक्स्ट्रा बच जाती है तो हम डेली गाय को दे आते हैं। और मौसम कुछ ऐसा है सुबह सुबह का, तो मौसम तो मॉर्निंग का अच्छा ही होता है। करीब 7:30-8 बजे हुए थे, आज जल्दी उठ गए थे, नींद खुल गई थी तो मैंने सोचा चलो काम कर लेते हैं। और मैं इनको रोटियां दे रही हूँ, साथ में जो है ये सब्जियां लेकर आ रहे हैं। सब्जियां ज़्यादा दूर से नहीं लानी, हमने 3-4 तो सब्जियां लेनी होती हैं, तो यहीं पास में रेडी लगती है, वहीं से लेकर आएंगे। ये मंडी वगैरह में नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा जाओ तुम सब्जियां ले आओ, इतने मैं अपने कुछ घर के काम निपटा लेती हूँ जो कि इतने मिशिका उठने से पहले हो जाए। हाँ जी, मेरे कपड़े अभी धुलने वाले हैं और मिशिका सो रही है, ये गए हैं सब्जी लेने के लिए, तो मैं इतने जो है फटाफट अपने काम कर लेती हूँ। जाना तो आज कहीं पे भी नहीं है, बट नींद खुल गई थी तो सोचा चलो नींद खुल गई है तो अपने काम भी ख़त्म कर लेते हैं ना। सही देगी, और मैं इन बालों का कुछ करवाने वाली हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ। मैंने एक जगह कटिंग करवाई थी, उन्होंने मेरे सारे बाल मतलब ख़राब से कर दिए हैं, कटिंग अच्छी नहीं हुई, तो अब देखते हैं करवा चौथ पे ही कुछ करेंगे इनका। तो चलिए फटाफट काम कर लेते हैं अपने। तो ये देखिए सब्जियाँ ले आए थे, जो जो ज़रूरी थी वो 3-4 ही सब्जियाँ हैं, जैसे आलू, टमाटर, फली, सोयाबीन की, खीरा और लौकी, ठीक है। और मैंने जो है धुल के रख दी है, और ये बास्केट दिखा रही हूँ मैं आपकी, ये बड़ी काम की चीज़ लगी मुझे, ऑनलाइन मैंने अमेजोन से मंगवाई थी। वाओ, मीशो भी चंपी कर रही है पापा की सुबह सुबह, है ना। ओए गिरा मत दियो तेल। सांगवान साहब कैसा फील हो रहा है आपको? रिलैक्स, मजे आ गए, मजे आ गए। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, झूठ क्यों बोल रहे हो। अमीशु के भी चंपी करेंगे। तो गाइस सुबह सुबह आज संडे के दिन है ना, तो चंपी स्टार्ट हो गई है हमारी, और वीडियो भी शायद बहुत लंबा भी हो गया हो, तो अब इस वीडियो का हम यहीं पर एंड भी करेंगे। क्या हो गया? वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।